को अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम का ट्रेलर दिल्ली में रिलीज हुआ। जी हां, इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आई। बेल बॉटम की रिलीज डेट सामने आते ही चर्चा शुरू हो गई कि अक्षय कुमार की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड की चर्चित फिल्म सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस के पार्ट 9 यानी कि F9 के साथ क्लैश होने वाली है। हालांकि अब इन खबरों पर विराम लग गया है, यानी कि अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम अब विन डीजल की फिल्म F9 से बड़े पर्दे पर क्लैश नहीं होने वाली है। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के कारण ही पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन और सिनेमाघर मालिकों को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचा है। जी हाँ, कई महीनों तक बंद पड़े रहे सिनेमाघर को अब 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिली है। ऐसे में पहले ही ऑडियंस कम हो गई है, जिसके कारण सिनेमाघर मालिकों को पहले के मुकाबले कम मुनाफा होगा। ऐसे में दो बड़ी फिल्मों को एक ही डेट पर रिलीज़ करने का जोखिम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं उठा सकते। माना जा रहा है कि 19 अगस्त को अभी बेल बॉटम रिलीज़ हो रही है, तो इसके कम से कम 2 हफ्ते बाद ही विन डीजल की F9 को रिलीज़ किया जा सकता है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि वह घाटे का सौदा नहीं करना चाहते, इसीलिए F9 की रिलीज़ डेट को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार इनॉक्स सिनेमा के मालिक राजेंद्र जैला का कहना है कि अगर महाराष्ट्र में सिनेमाघर नहीं खुलते हैं तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र फिल्म के लिए 25% का मुनाफा लाता है, लेकिन बाकी जगहों से भी मुनाफा होगा। हालांकि उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में भी जल्द ही सिनेमाघर खुले। बेल बॉटम और F9 के क्लैश होने को लेकर उन्होंने कहा कि एक मौका फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक ही दिन दो फिल्में आज की स्थिति को देखते हुए किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टाइम न्यूज़ ससर्वी की रिपोर्ट।